हेलो गाइस, गिज गेमिंग इज़ हेयर अगेन विद न्यू वीडियो पबजी मोबाइल। होप के सब खैरियत से होंगे। तो अभी ये मैं बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट के बारे में, जिसके ज़रिए आप विन कर सकते हैं फ्री में आईफोन, मोटर बाइक और हेडफोन्स और दूसरे भी बहुत से इनाम, जो कि पबजी एनिवर्सरी रिलीज़ कर रही है अपने सर्वर का पाकिस्तान के लिए, जिसकी सेलिब्रेशन के रिजल्ट में उन्होंने कुछ रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। आइए उन रिवॉर्ड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो आपने अपनी गेम को चला लेना। गेम चलाने के बाद क्या करना है, आपने जाना इमर्ट्स के अंदर। इमर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे हॉट लिखा नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने रदीम आईफोन 13 पीके सर्वर सेलिब्रेशन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सामने एक मेन्यू सा नज़र आएगा जिसपे ऊपर लिखा होगा पाकिस्तान सर्वर फर्स्ट एनिवर्सरी। इसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पे एक विंडो पे ले आएगा। ठीक है, बस ये विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ सर्वर इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे तीन इवेंट्स हैं, एक फोटो क्लिप है, एक रिदीम है और एक लाइव स्ट्रीम गिव अवे है। ठीक है, ये इन तीनों में आप आईफोन विन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सामने जो आपको जो फोटो क्लिप वाला पेज नज़र आ रहा है, इसमें यह बताया गया कि आपने इसमें क्या कलेक्ट करना है, मेमोरी कलेक्ट करनी है, मेमोरी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, मेमोरी फ्रेगमेंट्स आप कैसे कलेक्ट करेंगे, आपको ये पज़ल रिजॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, पज़ल को रिजॉल्व किए बगैर आप इसको नहीं हासिल कर सकते मेमोरी फ्रेगमेंट्स को। जब भी आप एक पज़ल को रिजॉल्व करेंगे, ये एक पार्ट रिजॉल्व करेंगे, तो आपको 10 मेमोरी फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आप ये पज़ल पूरी रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपने क्या करना है, क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लेम हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मेरा ये जो अपनी पज़ल है ये कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैं इसको रिडीम नहीं कर सकता। इसलिए आपको सबसे पहले ये पज़ल को कंप्लीट करना होगा। पज़ल को कैसे कंप्लीट करेंगे, पज़ल को कंप्लीट करने के लिए आपने पज़ल के किसी भी पार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। लाइक मैंने फर्स्ट वाला कर लिया, इसको छोड़ देना, जो सेकंड वाला है उसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा लॉग इन इन फॉर टोटल ऑफ 3 डेज़। अगर आप लॉग इन ऑफ 3 डेज़ करते हैं तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, कल पार्ट मिल जाएगा मुझे इसका ये वाला। सिमिलर ये 5 डेज़ के लिए, सिमिलर फॉर 1 डे। अगर मैं कंप्लीट 1 मैच इन क्लासिक मोड विद फ्रेंड करता हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नेक्स्ट फ्रेगमेंट की बात करूँ, कंप्लीट 3 मैचेस इन क्लासिक मोड विद फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ 3 मैचेस खेलता हूँ तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, कंप्लीट 7 मैचेस करता हूँ तो भी इससे ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट करता हूँ तो डिफीट 5 एनिमीज इन अ क्लासिक मोड करूँगा तो मेरा ये वाली पज़ल भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डिफीट 10 एनिमीज करता हूँ तो ये पज़ल भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं 15 एनिमीज को डिफीट करता हूँ तो ये मेरी कंप्लीट पज़ल को रिजॉल्व कर लूँगा। तो इसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, 10 फ्रेगमेंट्स मिलते जाएंगे। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पज़ल को रिजॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो मुझे 30 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ 3 पार्ट्स को, इसी तरह अगर मैं वर्टिकली इसको कंप्लीट करता हूँ तो मुझे ऐसे भी 30, तो ऐसे भी मुझे 10 फ्रेगमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, आपके पास जब ये पज़ल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने ये जो दिल दिल पाकिस्तान का फ्रेम है वो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा 7 फरवरी से पहले पहले, उसके बाद आप इसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, ये बात तो होगी कि पज़ल को रिजॉल्व करके आपने ये फ्रेम कैसे लेना है। ठीक है, पज़ल रिजॉल्व होगी उसके नतीजे में आपको ये फ्रेगमेंट्स मिलते जाएंगे। फ्रेगमेंट्स जैसे जैसे मिलते जाएंगे आपने जाना है रिडीम पे। ठीक है, अगर आपके पास जितने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा चीज़ें आप इससे रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम फ्रेगमेंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, एक तो वो पज़ल के ज़रिए, कुछ हमें रिडीम कोड दिए जाएंगे जिसके ज़रिए हम वो हासिल कर सकते हैं मेमोरी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, हाँ जी, तो मेमोरी फ्रेगमेंट्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, मेमोरी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमने हासिल करने हैं पज़ल के ज़रिए, और हमें कुछ रिडीम कोड दिए जाएंगे और पबजी कुछ इन गेम लाइव स्ट्रीम में उसके टोकन्स वगैरह शेयर करेगी, आपने उनसे रिडीम कर लेना है। ठीक है, जब वो कोड्स वगैरह आएंगे तो मैं उन कोड्स को अपने इस वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप उनको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि हमने रिडीम कैसे करना है। अगर हमारे पास 300 मेमोरी क्रिस्टल हो गए या मेमोरी फ्रेगमेंट्स हो गए तो उससे हम मोटर बाइक होंडा सीबी इससे को रिडीम कर सकते हैं, और ये ओरिजिनल बाइक है, ना कि जो हम पॉपुलैरिटी भेजते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल बाइक है। उसके बाद आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है 256 GB हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम है। कितना टाइम है, इसके लिए हमें चाहिए 11 आवर्स के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे गेमिंग हेडफोन्स हैं लॉगिटेक प्रो के, वो भी आप 150 मेमोरी फ्रेगमेंट से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दराज के कूपन है, 10,000 का कूपन है, 5,000 का कूपन है और 200 का कूपन है। सिमिलर नीचे कुछ क्रिस्टल, ग्रीन वाइट क्रिस्टल है, उसके साथ दिल दिल पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी है, ये डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी हेड पीस है, ये 5 डे के लिए। ये नीचे जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी टाइम लिमिटेड है, जिनके आगे 5D लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि 5 डेज़ के लिए। तो इनको रिडीम करने की कोशिश ना करें, अगर पॉपुलैरिटी आपको चाहिए तो आप इसको पॉपुलैरिटी पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको मेन जो चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें हैं, आपको बाइक के लिए और आईफोन के लिए और हेडफोन के लिए ट्राई करना चाहिए। अब ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में आपने क्या करना है, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो इसका नाम है लाइव स्ट्रीम गिव अवे और ये 29 जनवरी को आएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा। इस इवेंट के जरिए आप क्या हासिल कर सकते हैं, 5 iPhone 13 Pro Max, कोई भी 5 कैंडिडेट्स या 5 प्लेयर्स जो होंगे जो इस लकी ड्रा में पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिलेगा iPhone 13 Pro Max, ठीक है। और उसके बाद वो कैसे हासिल कर सकते हैं, ये नीचे चैट का ऑप्शन दिया होगा, आपने चैट पे जाके कुछ भी कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हो आ जाएगा आपके सामने कि अभी तक ये इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, आप इसको स्टार्ट करें, ठीक है। अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तब आप ये कमेंट कर सकें, ठीक है। इसी तरह आपने साथ साथ पज़ल को भी रिजॉल्व करते रहना, अगर आप पज़ल को रिजॉल्व नहीं करते तो आप इस इन दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी वीडियो की कंप्लीट डिटेल समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।